हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको लाइव डेमो देंगे कि आपने कैसे इस स्मार्ट नेस्ले मग में जो है कॉफ़ी बनानी है। तो हम आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे और फिर जो है आपको लाइव कॉफ़ी बना कर देंगे। तो इसमें जो है इसके मोस्टली टू पार्ट ही हैं। एक ये मग है जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये आपका मतलब शेकिंग की ये ब्लेड्स वगैरह हैं सिंपल से, और इसी में जो है फिलामेंट्स है। और हमने जो है इसका देखा था, ये कम से कम आपके 450 वाट की ये मोटर है, और लास्ट टाइम हम बता नहीं पाए थे आपको। ये देखिए 410 से लेकर 490 वाट की इसमें ये पावर कंज्यूम करता है, और काफ़ी सिंपल है, बहुत ही स्टाइलिश भी है और स्लिम भी है। ये देखिए इवन हमारा एक थर्मस है उससे भी ये पतला है, यानी कि आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन प्राइस जो है आपको 6,500 के आसपास है। तो लेट्स सी, इसमें कॉफ़ी बनाने के लिए आपको, आप चाहो तो इसको विद मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इस बटन से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको हमेशा जो है इसका ब्लूटूथ ऑन रखना है। तो ब्लूटूथ के बिना ये इसके साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो आप ये जैसे देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये आपस में इनकी पेयरिंग हो रही है। तो अब जो है हमने ये रेडी टू यूज़ है। अब जो है इसमें हमने सामान सारा इकट्ठा कर रखा है, तो आप चाहो अपने हिसाब से दूध, पानी या कॉफ़ी डाल सकते हैं। तो लेट्स सी इसको कैसे आपने बनाना है। तो अब जो हम इसमें करते हैं, और ये आप चाहो तो डिफरेंट प्रकार की कॉफ़ी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है अभी क्रीमी आइस कॉफ़ी है और एक ये है, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। और ये देखिए इसमें ये बताया गया कि क्या क्या आपने डालना है। एक स्मॉल जो है ये मतलब कॉफ़ी, 100 ml पानी, 170 ml दूध, तो हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्स है, मैक्स से आपने थोड़ा नीचे ही रखना है। तो ये हमारी सेकंड टाइम है, हमने बस पहली बार बनाया था, और ये हम रैंडमली यानी कि अंदाजे से पानी डाल रहे हैं। ज़्यादा पानी आप डाल दोगे तो आपकी कॉफ़ी जो है मतलब इतनी अच्छी नहीं बनेगी, उसमें फोग जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि दूध का जो प्रपोर्शन है वो आपने ज़्यादा डालना है। और अब जो है हम दूध डाल रहे हैं, तो मैक्स से थोड़ा कम रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि हमारी जो कॉफ़ी है वो बाहर आ गई थी उबलते हुए, तो सारा ये भर गया था। तो आप थोड़ा सा मैक्स से कम डालें, और अपने स्वाद अनुसार या आवश्यकता अनुसार जैसी आपकी ज़रूरत है उतनी आप कॉफ़ी डालें। हम थोड़ी लाइट पीते हैं, तो हम जो है सिर्फ कह सकते हैं 1.5 ग्राम ही डाल रहे हैं। तो आप चाहो तो इनके दिए हुए मेजरिंग चम्मच से जो है 2 ग्राम या 3 ग्राम आप डाल सकते हैं। तो ये तैयार हो गया, अब आपको इसको लगाना है। तो लगाने के लिए देखिए, तो इसमें ये तरीका है बिल्कुल, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बन रहा है कट सा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर भी कट बन रहा है, तो आपको इसी में डालना है। ये हमारा डल गया, और फिर जो है इसको यू मूव करना है। तो ये हमारा मूव हो गया। तो अब जो है प्रॉपर इसको देखना है कि अपना ये जो कैप है आपकी प्रॉपर लग जानी चाहिए। तो कॉफ़ी स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, ऑलवेज ओपन द प्रेशर रिलीज कैप बिफोर प्रिपेयरिंग, यानी कि कॉफ़ी बनाने से पहले आपको ये हमेशा खोल कर रखना है। हम देखते हैं खुलता है कि नहीं लाइव वीडियो में। तो ये हमारा खुल गया, यहाँ से आपकी भाप वगैरह या जो भी चीज़ उबलती है वो बाहर आती है, क्योंकि इसमें जो मोटर है या कह सकते हैं फिलामेंट जो है 490 वाट तक है, तो काफ़ी हॉट ये कर देता है। तो ये हमारा तैयार हो गया, रेडी टू यूज़ है। तो अब जो है यहाँ पर आपने मेक माई कॉफी पर टच करना है। तो देखते हैं, ये बता रहा है कि
लिड शुड बी सिक्योरली क्लोज, यानी कि आपका जो लिड है ये प्रॉपरली बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से आपकी कॉफ़ी निकल सकती है। और प्रेशर रिलीज कैप भी ओपन होना चाहिए। तो ये हमारा सब ठीक ठाक है, तो स्टार्ट प्रिपरेशन पे हम टच कर देते हैं। तो ये है डेमो। तो कोई भी, हमने सारी जितनी भी यूट्यूब में वीडियो देखी तो लाइव डेमो किसी ने भी नहीं दिया, मतलब कॉफ़ी बनाते हुए नहीं दिखाया। तो ये देखिए कैसे इसमें कॉफ़ी बनती है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। जो सबसे अच्छा जो फ़ायदा जो है इसका, कि ये बहुत ही स्लिम है, आसानी से आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बट इसका जो नेगेटिव पॉइंट जो हमें लगा, ये ओवर प्राइज है। अगर 4-5 हज़ार का होता तो मोस्टली कई कॉफ़ी लवर्स जो है इसको खरीद सकते थे। तो ये देखिए यहाँ से आपकी निकलती है और आपको स्मेल भी आने लगेगी। तो इसका फ़ायदा यही है, ख़ास तौर पर जैसे पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टलर होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो वो जो है ये आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं भाप वगैरह, ये जो भी आपका, जैसे आप केतली में दूध गर्म करते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, वैसा ही तरीका है। बट इसमें थोड़ी सी फोम भी बनती है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी सर्दी का मौसम है, तो दूध को हल्का सा गर्म करके डालें, और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कॉफ़ी तैयार हो रही है। तो हमने थोड़ा सा मैक से कम डाला है, तो इसीलिए अब ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा, नहीं तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये सारा भर गया था। और देखते हैं, इंजॉय योर कॉफ़ी। तो हमारी कॉफ़ी जो है तैयार है, और अब जो है हम आपको ये दिखाते हैं ये एक्चुअल में कैसी हमारी ये कॉफ़ी बनी। तो इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें जस्ट आप जो है सिर्फ 210 ml मैक्सिमम कॉफ़ी बना सकते हैं। तो बैक टू होम कर देते हैं और इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो जैसे आप ऑफ़ करोगे तो यहाँ पर जो मैसेज आ जाएगा कि नॉट कनेक्टेड। तो लेट्स सी, इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं, और हमें शायद इसको खोलना होगा। तो शायद हमें इसको लाइव वीडियो में हम थोड़ा इसको हम थोड़ा खोल देते। तो ये हमने इसका जो कैप है वो हटा दिया, और आपको ये हम दिखाते हैं कि हमारी ये कॉफ़ी कैसी बनी है। ये है लाइव जो है, कह सकते हैं डेमो वगैरह की है, आपकी कॉफ़ी कैसी इसमें बनेगी, कितनी फोग बनेगी। तो आप चाहो तो इसमें बेटर रिजल्ट के लिए चोको पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो शायद लगता है हमारा इस बार भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और फोग भी जो है इतनी नहीं बन रही जितनी कि लोग वीडियो में दिखाते हैं। तो मे बी हमारा जो है कह सकते हैं कि पानी थोड़ा सा कम है, या पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि गाढ़ा दूध डालते तो ज़्यादा कह सकते हैं कि इसमें ये हमारी झाग आती। तो आपको अगर हम ये दिखाएं कि एक्चुअल में ये कैसी है कॉफ़ी, कॉफ़ी में जो है आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो ये देखिए, तो ये नॉर्मल जो गैस में बनाते हैं वैसी कॉफ़ी नहीं बनेगी। बट हम ये कह सकते हैं जैसे आप बाज़ार में पीते हैं बिल्कुल वैसी तो नहीं बनती, बट उसके आसपास बन जाती है। तो पैसा वसूल प्रोडक्ट का आप कह सकते हैं, बट थोड़ा सा ओवर प्राइज है, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ये 6,500 का होना चाहिए, तो 5,000 या 4,000 का भी होता तो भी मतलब काम चल जाता। तो प्राइस ज़्यादा होने के कारण जो है कोई भी इसको आसानी से नहीं ले पाएगा। वैसे आपको बाज़ार में जो है दूसरे ब्रांड की भी मिल जाएगी, जिनके जो स्टार्टिंग प्राइस जो है 2,500 या 2,000 के आसपास है, बट उनका साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि हमारा एक जग है
उसके बराबर होता है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ जो है आपको ये मैनुअल मिलेगा और ये वारंटी कार्ड और ये कैसे आपने इसको बनाना है उसकी सेफ्टी डिटेल्स मिलेंगी कि कैसे आपने इसको स्टार्टिंग में यूज से पहले इसको पढ़ना है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।